हेलो गाइस, तो मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं सनी गो ब्लॉग। आप लोग का इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम हैं दरभंगा में और जो मेरे पीछे देख रही है इंडिया का दूसरा लाल किला है। तो मेरे साथ है शिवम, अब जो सही गलत बताएगा यही बताएगा। ये पूरा दरभंगा महाराष्ट्र का है, तो अभी चलेंगे इसके अंदर। ये पूरा दरभंगा महाराष्ट्र का किला और देख रहे हो पूरा कॉलोनी बसा हुआ, बताइए। और देख सकते हैं आप इसका आर्किटेक्चर कितना मस्त है यहाँ पर। तो अभी इसके अंदर चलेंगे, बताइए। सब अपना प्रेमी प्रेमिका अपना यहाँ छाप छोड़ा, बताइए। दरभंगा महाराज इतना अच्छा बना के गए हैं और यहाँ पर आशिकी 2 चल रहा है। यही तो धरोहर खराब करता है, हम लोग का संस्कृति सब खराब कर रहा है। ये देखिए कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, बताइए। देख रहे हो भाई, अरे भाई कुत्ता सोया भाई, इसको छोड़ दो। अंदर गेट लॉक है भाई, क्या चीज का गेट है? गेट के अंदर क्या है जी? इधर गेट लॉक है, अभी हम लोग और देखते हैं क्या क्या है। चलो 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 चलो, जैसा भी पता चला ये दुर्गा जी का मंदिर है, इसलिए हम लोग अपना जूता उत्ता उतार दिए हैं। और ये अभी जो गेट बंद है इसमें दुर्गा जी का पूजा होता है, डेली यहाँ पूजा होता है। और इधर आगे ही कहीं कुल देवी का भी मंदिर है, वो बंद रहता है। देख रहे हो शिवम, डरावना लग रहा है भाई, गजब गजब। ऐसा लग रहा है कि मतलब कहाँ आ गया है ना, दुर्गा जी का मंदिर नहीं रहता तो डर लगता है। यही कुल देवी का मंदिर जो कि खुलता नहीं है, तो ये पूरा कुल देवी का मंदिर है। इस गेट के अंदर क्या रहस्य है नहीं पता भाई। देखो यहाँ भी एक गेट होगा क्योंकि सीढ़ी है, तो लगता है गेट को बंद कर दिया गया है ना। ये स्ट्रक्चर देखिए एकदम लाल किला के जैसे, ये हाइट पूरा ये स्ट्रक्चर है और इधर पानी है। तो पहले जमाने में हमको लगता है कि इतना बड़ा हाइट है कि दुश्मन अंदर आ ही नहीं सकता, और आएगा तो सीधे पानी उनी में गिर जाएगा। तो अभी ये लगता है इसमें मछली पालन होता है, मछली और बत्तख हमको दिख रहा है। और हर साल 15 अगस्त को यहाँ झंडा फहराया जाता है ना, 15 और 26 जनवरी। अच्छा, तो यहाँ पर हर साल झंडा भी फहरता है यहाँ पर। ये सामने ये दुर्गा जी का मंदिर है, तो अभी हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी और जगह भी जाना है, इसीलिए। इसके अंदर गया तो? हाँ, एक दो बार हम गए। इसमें रास्ता दिया गया है ऊपर जाने के लिए, शायद इसके अंदर सीढ़ी, यहाँ से जाइए ऊपर और ऊपर जाके वहाँ झंडा फहराने का है रास्ता उधर। बताइए, पहले राजा लोग यहाँ शासन करता था, प्रजा लोग राजा का जमीन है मतलब खरीद लिया सरकार से, सरकार भी पता नहीं कैसी है, पूरा जमीन सब खरीद के घर बनाया हुआ। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो मंदिर था इधर कुल देवी का, अभी हम लोग जा रहे हैं राज मैदान आगे है, तो वहाँ पर शायद राजा का महल है, तो वहाँ चलते हैं। और ये देखिए, ये शायद मिथिला यूनिवर्सिटी है ना शिवम? हाँ, ये मिथिला यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी का सामने देखिए, ओ भाई 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 गजब। हम सोच रहे जाएं कैसे, जा सकते हैं, छोड़ो हटाओ यार, चलते हैं अभी आगे देखते हैं। ये देखिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, अभी इसके अंदर ही हम लोग को जाना है। पूरा प्रार्थना कर रहा है, कौन मंदिर ये वाला? ये मनोकामना मंदिर है, जो विश मांगेगा पूरा हो जाएगा। ये मनोकामना मंदिर है, और इसके दीवार पे देखिएगा तो इतना चीज लिखा हुआ है विश के तौर पे, हम पढ़ पढ़ के एक दिन पढ़े थे पूरा, बता नहीं सकते हैं। ओ, तो ये मनोकामना मंदिर है, तो यहाँ जो भी विश मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है, इसलिए शिवम अभी मांग रहा था ना। कुछ लड़के वहाँ पे लिख देते हैं जो चाहिए, वहाँ पे लिखा था हे भगवान मेरे टीचर से हमको शादी करा, इसलिए यहाँ पर मतलब लिखना मना है ना, लिखना मना। बताइए यहाँ लोग मतलब मंदिर में भी क्या क्या यार दीवार में लिख देते हो यार, मत लिखा करो यार, विष मांगने आया हो तो यार विष मांगो डायरेक्ट भगवान से, लिखने से क्या होगा यार, बताइए। मनोकामना मंदिर, तो अभी चलते हैं आगे। इंडिया में जो रेलवे आया तो उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, उस टाइम ही इंडियन रेलवे चला। अब ज्यादा डिटेल तो नहीं बताएंगे, अभी ये जो आप जो सेक्शन देख रहे हैं ना, ये पूरा सेक्शन यहाँ पर दरभंगा महाराज का ट्रेन आता था, ठीक है, और यहीं पर ट्रेन रुकता था। बिहार में जैसा बोला जाता है कि जो रेलवे चला वो दरभंगा महाराज के कारण ही चला, और वो अपने ट्रेन से ही अपने घर पर उतरते थे। ये पूरा वो सेक्शन है, पटरी तो दिखा नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो टर्मिनल था इसका नाम था नरगोना टर्मिनल, और 17 अप्रैल 1874 में पहली ट्रेन समस्तीपुर से चली थी, वो हराई स्टेशन से होते हुए नरगोना टर्मिनल तक आई थी। तो ये पूरा है,
तो यहाँ समस्तीपुर से हराई स्टेशन होते हुए आई थी यहाँ पर। तो ये पूरा नरगोना टर्मिनल था, यहाँ पर ट्रेन का कोई अंश तो दिख नहीं रहा है, बट आप लोग इसको समझ लीजिए पहले ज़माने में कैसा हुआ होगा ये पूरा। ये सामने भी अभी यूनिवर्सिटी है और इसमें पीजी का पढ़ाई होता है, और इधर ग्राउंड है और भी सारा चीज़ है। देख रहे हो कितना बड़ा पेड़ का टुकड़ा रखा हुआ भाई, देखो तुमसे ज़्यादा बड़ा है। बहुत पुराना पेड़ होगा इसको, बट अब काट दिया गया है। ये देखिए महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह 1858 से 1898 तक थे ये महाराजा। और ये देखिए श्यामा मंदिर, बताओ यार तुम भी बोलो शिवम कुछ कुछ। ये श्यामा मंदिर है और ये श्यामा मंदिर का तालाब है, यहाँ बोटिंग हो रहा है, जहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं और घूमते हैं। तुम भी ब्लॉगिंग सीखो, कब करेगा? करेंगे, श्यामा मंदिर देख सकते हैं। इतना गंदा पानी है और फिर भी बोटिंग हो रहा है, क्या बात है क्या बात है। ये देखिए मांगुर मछली बड़का बड़का गो। क्या शिवम, ये लक्ष्मी जी का मंदिर है ना? ये देख सकते हैं माँ, मेरे नंबर 400 आएगा तो मुझे, मैं यहाँ आके माँ दुर्गा करने जाऊंगा, माँ का माँ दर्शन करने जाऊंगा, और सभी विद्यार्थी को सभी विद्यार्थी को फर्स्ट करवा दीजिए। गलत चीज सब लिखा हुआ बताइए, तुम भी लिख दो कि माँ हमको पास करवा दीजिए। मन से बोलेंगे तो माँ रेडी। सही बात है, चलो सब एक से एक चीज लिख देता है ना मंदिर में। अच्छा बताइए, एक स्टूडेंट लिखा था कि माँ हमको 400 नंबर से ज्यादा पास करवा दीजिए, और सभी सभी स्टूडेंट को ही पास करवा दीजिए, फर्स्ट डिविजन है ना, सब स्टूडेंट के लिए प्रे कर। बताइए सब स्टूडेंट के लिए प्रे कर दिया, अच्छा स्टूडेंट है ना। दरभंगा महाराज के चिता पे बना माँ काली के रूप में माँ श्यामा का मंदिर है ये। अभी हम लोग श्यामा मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। शिवम सबसे यहाँ का कुछ बताओ। ये श्यामा मंदिर है, वो दरभंगा महाराज का फोटो है। अच्छा दरभंगा महाराज का फोटो है। तीन राउंड मारना है, चलो तो राउंड मार लेते हैं हम लोग, तीन राउंड मार लेते हैं। चलो चलो चलो, एक राउंड पूरा हो गया ना, अभी दर्शन वर्शन हो गया है हम लोग पूरा दरभंगा महाराज का किला, जितना हो सके उतना एक्सप्लोर किए हैं, जितना ये शिवम हमको घुमाया। क्या तो बाकी छोड़ देते हैं ना, हाँ, पार्ट टू में आप पार्ट बाकी को बोल रहा है कि सनी चाचू पार्ट टू के लिए छोड़ दीजिए, कितना घूमिएगा हम लोग यार। सही बात है, वीडियो बहुत लंबा, अभी 11 बज रहा, हम लोग अभी पटना भी निकल रहा, तो आज का ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय 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 बाय। इफ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब सनी गो ब्लॉग करना।